चट्टानों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे मक्कार और बेकार मुख्यमंत्री को पानी पिलाने का जो माता रखता है उसे युवा कांग्रेस का नौजवान कहते हैं। आज के इस विधानसभा कूच में प्रदेश भर से मेरे युवा साथी जो आए हैं, मैं हृदय की गहराई से आपका आभार करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक क्रांतिकारी मुहिम में अपना साथ देने की कसम खाई है। हमारे बीच में दिल्ली से चल के आए हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान और संघर्षशील प्रभारी आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी, देवेंद्र जी के लिए कहना चाहते हैं, देवेंद्र यादव मजबूती से कांग्रेस में खड़े हुए, हम सब इनसे आस लगाए, हाथ सभी के बड़े हुए और यूं तो छोटे मोटे नेता बेमतलब को अड़े हुए, बाकी सब है कांच के टुकड़े, इनमें हीरे जड़े हुए, ऐसा हीरा अपना प्रभारी है। जोर से ताली बजाओ देवेंद्र भाई के लिए। देवेंद्र भाई के प्रभारी बनने से युवा साथियों में थोड़ी नई ऊर्जा आई है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जिसके लिए जितना कहा जाएगा उतना कम होगा, आदरणीय श्री श्रीनिवास जी, कोरोना काल के दौरान जब सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, तब एक शख्सियत थी जो गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए सड़क पर उतर के काम कर रहे थे। मैंने दिल्ली में देखा, कोरोना से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार जनों ने उस लाश को हाथ लगाने से मना कर दिया, स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इसकी अंत्येष्टि भी नहीं करनी है, ऐसी लाशों तक को ले जाके क्रिमेशन ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार तक अपने हाथों से किया और इतना पुण्य का काम किया। श्रीनिवास भाई, मुझे फक्र है आप पे कि आप मेरे दोस्त हो, मुझे फक्र है आप पे। लोग रुक रुक कर संभलते क्यों हैं, इतना डर है तो घर से निकलते क्यों हैं, ना दिया है, ना जुगनू है, ना तारा है, फिर भी ना जाने दोस्त, मेरे दोस्त श्रीनिवास जी से लोग इतना जलते क्यों हैं। हमारे नेता इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, माननीय श्री प्रीतम सिंह जी, एक तरफ चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा जिगरा, जिनके कदमों में कई चांद पड़े रहते हैं। प्रीतम सिंह जी बहुत मजबूती से हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व है अपने अध्यक्ष पे। मेरे लिए पितृतुल्य इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके लिए अगर कहा जाए तो टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, भाजपा वालों ने दौलत को चुना लेकिन हरीश रावत जी ने वतन मांग लिया। ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, जितना हम सीखेंगे आपसे उतना हमारे लिए कम है। प्रदेश के सह प्रभारी राजेश धर्मानी जी, जो सोच से जुड़े हुए लोग हैं, इनके साथ जब भी हमें बैठने का मौका मिला है, बात करने का मौका मिला है, हमने कुछ सीखा है। मेरे भाई मनीष खंडूड़ी जी, ऐसे नौजवान युवाओं की हमारे प्रदेश को जरूरत है। प्रकाश जोशी जी और हमारे सारे सभी साथीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे साथीगण, उत्तराखंड कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस का मेरा अध्यक्ष, मेरा भाई आदरणीय श्री सुमित्र भुल्लर जी जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, आप सभी साथीगण, मैं दो मिनट के लिए आपको दिल्ली के बॉर्डर पे जो हमारे किसान संघर्ष कर रहे हैं उनके पास ले जाना चाहता हूं। कोरोना काल में हम लोग अपने बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने के लिए भी मना कर रहे हैं कि आपको बाहर नहीं जाना है, आप संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे समय में दिल्ली बॉर्डरों पे बुजुर्ग बुजुर्ग महिलाएं, जिनकी कमर ऐसे झुकी हुई है, वो वहां पे संघर्षरत हैं, वो कहती हैं कि हम यहां से अपने घर नहीं जाएंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे। वहां पे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बॉर्डर पे शहीद हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने बेटे को कांधा देने नहीं जाएंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाते। वहां पे ऐसे लोग हैं जिनके घर में शादी है, लेकिन वो कहते हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, बेटी की शादी बाद में, लेकिन पहले किसान बिल के लिए यहां संघर्ष करेंगे। मीडिया वाले दिखाते हैं कि वो लोग वहां पिज्जा खा रहे हैं,
आप वहां पे जाके देखिए एक बार, देखिए रात को जब पाला पड़ता है तो ठंड में, कड़ाके की ठंड में एक जवान युवा की भी हड्डियां कड़कड़ाने लगेंगी, ऐसी ठंड में वो वहां पे जमे हुए हैं। और एक किसान की मैंने बात सुनी, वो कह रहे अब तक मोदी जी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे, अब कहते हैं कि हम थोड़े बहुत संशोधन करने के लिए तैयार हैं। अगर एक किलो जहर में से आप आधा किलो जहर निकाल लोगे तो वो जहर ही रहता है, वो आटा नहीं बन जाता। अब तक ये बिल वापस नहीं हो जाते हैं, तब तक संघर्ष चलेगा। उत्तराखंड की मैं बात करूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2020 को रोजगार वर्ष घोषित किया था। उन्होंने कहा कि 2020 में प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा श्रीनिवास भाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक संदेश निकाल दिया कि यहाँ पे कोई भी विभाग किसी भी युवा को कोई नौकरी नहीं देगा। जब जरूरत पड़ी प्रदेश के युवाओं को, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैंने यहाँ स्कूल करी, मैंने यहाँ भाषण सुने, हर भाषण में मैं एक बात सुनता था, पलायन 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 पलायन। ये कोरोना काल के चलते प्रदेश का युवा लौट के अपने प्रदेश में आया, चाहे कोई भी कारण रहा हो। होटल इंडस्ट्री में हमारे युवा काम करते हैं, सारे होटल बंद हो गए, बाहर जो काम करते हैं सब बंद हो गए, अपने अपने प्रदेश में लौट के युवा आया, रिवर्स माइग्रेशन हुआ। ये अवसर था उनका विश्वास जीतने का, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि हमें इनमें से किसी की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो नए साथी आए हैं इनका मैं स्वागत करता हूं। चार नौकरी दी देवेंद्र भाई मुख्यमंत्री जी ने, एक दी मेयर की बेटी को, एक दी जम्मू कश्मीर के किसी युवक को। क्या देहरादून के मेयर की बेटी ज्यादा जरूरतमंद है या प्रदेश का दूरस्थ क्षेत्र का कोई युवा ज्यादा जरूरतमंद है? मेरे साथी आए हैं, आपसे गुजारिश है बैठ जाइए, आप सबसे गुजारिश है जरा बैठ जाइए। इस प्रदेश के, अब साथी हमारे आने लगे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत अहंकार है, बहुत अहंकार है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को, अपनी अपनी दौलत पे, अपनी शोहरत पे, अपनी ताकत पे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें अहंकार है अपनी दौलत पे, अपनी शोहरत पे, अपनी ताकत पे, तो हमें भी गुरूर है अपने जुनून पे, अपने जज्बे पे, अपनी जुर्रत पे। और अगर तुमने ठान ही ली है कि तुम अंग्रेजों के जैसा सलूक इस प्रदेश के युवाओं के साथ करोगे, तो इस प्रदेश का युवा भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बनने के लिए तैयार है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसी देश ने रावण का भी अहंकार नहीं छोड़ा, भगवान राम ने पेट में बाण मारा था, 10 के 10 सर ढह गए थे राम जी रावण के। इसी प्रदेश ने, हमारे ही देश के लोगों ने, अंग्रेज जिसके लिए कहा जाता था कि इनका कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, उस अंग्रेजी हुकूमत का यह हाल किया था कि आज उनके राजा महारानियों के कपड़े हमारे यहां बैंड बाजे वाले पहनते। और मैं फिर कह रहा हूं कि यहां प्रदेश की बेरोजगारों की लड़ाई युवा कांग्रेस लड़ेगी, एक एक युवा के सपनों की लड़ाई, उनके अभिभावकों के सपनों की लड़ाई उत्तराखंड युवा कांग्रेस लड़ेगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं देवेंद्र भाई। और इस लड़ाई को पूरी ताकत से हम लोग लड़ेंगे आपके नेतृत्व में। और उत्तराखंड प्रदेश में जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बन जाती है, जब तक सच्चे नेता यहां पे स्थापित नहीं हो जाते हैं, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा। साथियों एक बार जोर से मेरे साथ नारा लगाना है, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, उत्तराखंड कांग्रेस जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद, बीवी श्रीनिवास जिंदाबाद, प्रीतम सिंह जी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, उत्तराखंड कांग्रेस जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद जो साथी आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई रामपालिया जी। हमारे बीच में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री भाई राजेंद्र शाह जी पहुंचे हैं, धन्यवाद। और मैं अपने साथियों के साथ प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री भाई सोनू हसन जी और भाई वेद प्रसाद भट्ट बंटू जी और हमारे भाई भूपेंद्र नेगी जी जो जिला अध्यक्ष है देहरादून युवा, वो भी पहुंचने वाले हैं। साथ में भाई रोबिन त्यागी जी जो जिला उपाध्यक्ष है युवा कांग्रेस देहरादून के, अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नाम की लिस्ट बहुत लंबी है, भाई राजवीर सिंह जी रानीपुर से पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी कड़ी में
आमंत्रित करूंगा। हमारी मातृशक्ति और उत्तराखंड की महिलाओं की आवाज बुलंद करने वाली महिला कांग्रेस की परमठ अध्यक्ष श्रीमती सरिता आर्य जी से वाएं हम नौजवानों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद भाई।